मैं उस कुल मालिक परमात्मा सावण कृपाल के चरणों में नमस्कार करता हाँ जिन्होंने सानू आपका जश करन का मौका दिता है ये उन्होंने ही दया है। नहीं अज कल युग दे विच असी पुल्ले पटके जीव कदों सत्संग वास्ते टाइम कढ सकते हैं कदों अभ्यास वास्ते टाइम कढ सकते हैं। सानू पता है कि किन्ना ख्याल साडा दुनिया विच फैल चुकिया है एक सेकेंट भी साडा जिहड़ा मन है वह टिकदा नहीं हिरन की तरह बैठिया का भी भज्या फिरदा है सोया का भी भज्या फिरदा है। जब असी किते सफर करते हैं फिर भी ये किते ना किते जहाज चो बाहर भी किते ना किते निकल के तुरिया फिरदा हुंदा है। तो ये परमात्मा उस कृपाल की दया है जिहड़ा उसने दया करके सानू आपदा टाइम दिता है भगती का टाइम दिता है भगती का पदार्थ दिता है। मैं कई दिन तो थानू दसदा आया है कि सब संतान ने किसी भी तुसी महात्मा दे ग्रंथ नू पढ़ लो लेखनी नू पढ़ लो खास कर दसा गुरुआं दा स्वरूप श्री गुरु ग्रंथ साहिब इहदे विच बहुत सारे महात्मा की बाणी है जिहड़ी बिल्कुल सुरक्षित है जिवें उहनां दे ज़बान दे विचों निकली सी इहदे विच घाटा वाधा कोई तब्दीली नहीं करी गई। बाकी जिन्नियां बाणियां हन उहनां विच थोड़ी बहुती भन तोड़ घट वध करिया होया है। उहदे विचों सानू सच और झूठ का निर्णा करना बड़ा औखा हुंदा है हालांकि कोई मुश्किल भी नहीं पर कई ऐसियां तुकां हुंदियां हन जिहड़ियां संसार की जवान ते चढ़ जांदियां हन। अज अगर असी उहनू होर पासे समझाउने आ तो उहनां दे दिमाग च नहीं उतरदियां गईआं लेकिन गुरु ग्रंथ साहिब की जो बाणी है ये उसे रूप विच है जो किसे संत दे मुंह चो निकली सी बड़ी इहदी संभाल है। मैं दसदा हुंना कि इहदे अंदर चार चीजां दी महिमा है नाम दी और गुरु दी सत्संग दी करनी दी बाकी इहदे विच मसालां दे के दस्या है कि काम दे सी अगर वस विच पै जाने है साडा कितना नुकसान है क्योंकि काम ते नाम दी दुश्मनी है। अगर क्रोध दे असी शिकार हुंने आ ते क्रोध साडे नाल की करदा है लोभ की करदा है इन्हां चीज़ां तो सब तो बरज के इहदे विच सानू प्यार नाल कहा है कि तुसी अगर मुक्ति हासिल करनी है तो तुसी किसे महात्मा कोले जाओ। केड़े महात्मा कोले जिन्हें आपदी जिंदगी दे विच उस परमात्मा की खोज करी है मन इंद्रियां की गुलामी तो आजाद है। महाराज कृपाल कहिंदे हुंदे सी पढ़िया पढ़ा सकता है जुड़िया ही जोड़ सकता है। तो नाम की महिमा करी है कि नाम तो बगैर मुक्ति नहीं संसार दे विचों ना माता ने नाल जाना है ना पिता ने साथ जाना है ना भैन ना भाई ना धन दौलत ना कोई महल माड़ियां साडे साथ जानियां हन। अगर साथ जान वाला है तो वो नाम है। गुरु साहिब कहिंदे बिन नामे को संग ना साथी मुक्ते नाम त्यामणिया। हुण वो नाम जिहड़ा महात्मा ने अमोल करके लिखिया है वो बगैर गुरु तो नाम नहीं मिलदा गा।
आप प्यार ना कहंदे है, पढ़ पढ़ थके शांत ना आए, बिन सतगुरु कोई नाम ना पाए, प्रभ ऐसी बणत बनाई है। ये उस परमात्मा ने कानून नहीं बना दिता है कि तुसी जिन्ना मर्जी पढ़ लो, थक जाओ, चूर हो जावो, थोड़े मन में शांति नहीं आएगी, पढ़ पढ़ा के तुसी नाम प्राप्त नहीं कर सकते, बिन सतगुरु कोई नाम ना पाए, प्रभ ऐसी बणत बनाई है। ये कुदरती कानून उस परमात्मा दा खुद ही बनाया होया है, वो खुद ही आप किसी ना किसी इंसान दे विच अपनी कला रखता है, अपनी ताकत रखता है। महाराज सावण सिंह कहते होंगे कि असीं उन्हूं ताकत भी नहीं कह सकते गे, ताकत भी मिनी जोखी हुंदी है, वो जो कुछ हुंदा है सो हुंदा है, वो एक बरूपिया की तरह हुंदा है, बाहरों बहुत छोटा जीवन बतीत करता है, अंदरों उस प्रभु परमात्मा दे नाल जुड़िया हुंदा है। परमात्मा ने भगती का पदार्थ उसनू दिता हुंदा है। इस वास्ते आप प्यार ना कहंदे है कि भाई रे गुरबिन ज्ञान ना होए। गुरु अर्जन देव जी महाराज, गुरु नानक देव जी महाराज तो बड़े प्यार ना कहंदे कि हे प्यारियो, गुरबिन भगत ना होए, पुछो बरमे नारदा वेद व्यासा कोए। तुसी बर्मा दे प्राण पढ़ के देख लो, जो नारद दे सूत्र है उन्होंने पढ़ के देख लो, पुछो बरमे नारदा वेद व्यासा कोए। व्यास ने 18 प्राण चार वेदा नु मत के लिखे, चारा वेदा दे अंदर विच भी नाम दी महिमा है कि नाम तो बगैर मुक्ति नहीं, और ए लिखिया उहदे विच के रिखी मुनि तो बगैर नाम नहीं मिलदा गा। किते उन्हां नू संत कहता, किते गुरु कहता, किते साध कहता, किते रिखी कहता, मुनि कहता। सो इस वास्ते आप प्यार ना कहंदे है गुरु दी महिमा है। तीसरी सतसंग, सतसंग दे विच आके सानू साड़ियां गलतियां दा पता लगदा है। जदों महात्मा सानू साड़ियां गलतियां दसदे है, मैं दसदा हुंदा कि सिर्फ दो प्रकार दे आदमी साड़ी गलती दस सकदे है। एक तां जो साड़ा विरोधी है, उहने तां अनचक अलाणियां कह देना है कि तेरे अंदर नुक्स है। हुण कायदा ते है कि असीं उहदा धन्नवाद करिए कि सानू उसने साडा नुक्स दस्या। आपां की करदे हैं कि उस दे नुक्स मन्नण दी बजाए, कढ़ण दी बजाए उहदी विरोधता करदे हैं। तो संत महात्मा कहानी पा के कहंदे हैं भई आह ऐब छड्डो, प्रथाए साखी महापुरख बोलदे सांझी सगल जहाना है। वह किसी का नाम नहीं लेंदे, वह सांझी बात कि यह बुरियाइयां क्या औरत क्या मर्द चाहे किसी भी समाज का किसी भी मुल्क का है, यह बुरियाइयां हर एक नूं घेरी बैठिया है कि काम है, क्रोध, लोभ, मोह, हंकार है, हर एक जगह जिथे मर्जी चले जाओ मौत पदै सब कुछ थानू मिले। इस वास्ते संत महात्मा बड़े प्यार ना वो सानू समझाते हैं कि सत्संग ते उन्होंने इस वास्ते जोर दिता कि सत्संग तो बगैर सानू सोझी नहीं आती गी। भागवत पुराण के अंदर कथा आती है कि एक बकरी ते शेर चपटन लग्या, वो लम्मी पै गई, अपनी बोली च लगी करन छरन छरन, वो जानवर ने उसनू आजाद कर दिता कि बुढ़ी बकरी है, इन्हें मेरी शरण मंगी है, ये शरण विच आई है। उन्हें हाथी नू हुक्म दिता भई तुसी इसनू जदों पानी पिया के लियाउंदे पानी पीण जाने अपनी पिठ से चुक के ले जाया करो, और इस दा खाने दा भी इंतजाम तुसी करना है।
तो हाथी जदों पानी ते जांदे उस बकरी नूं अपनी पिठ ते बिठा के ले जाना, या जिहड़े फल वह खा नहीं सकदी सीगी हाथी दे उपर बकरी हुंदी सी उह हाथी नूं उहदे नीचे जाके खड़ जाना बे आसानी ना खा ले। ਇਹ ਕਾਹਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ ਬਈ? ਸ਼ਰਨ ਦਾ। ਤੋ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਸ਼ਰਨ ਆਏ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਉਹਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਕਿਸੇ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਲਾਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। जो नामदान दे वक्त वह साडे नाल वायदा करता है वह वायदा जरूर निभाउंदा है, लेकिन जिहड़ियां सिख दे अंदर कमियां हन जां जिन्ना को कर सकता है, कुछ शिष्य दियां भी ड्यूटियां हन जिहड़ियां उहनूं दसियां जांदियां हन भी इतना कारोबार करना है, जे नाम लैके फिर भी मन इंद्रियां दा गुलाम रहा, शराबा कबाबां च लग्या रहा, तो गुरु बेचारा की करे जे सिखन में चूक, अंधे एक न लगी जो वास बजाई फूक। तो सत्संग हर महात्मा ने गाई है। कबीर साहब कहते हैं, कबीरा संगत साध की अंत करे निर्वाह। अगर अंत वे सानू सहाई होने वाली है तो उस महात्मा की संगत है। सत्संग दे अंदर एक कहानी महाराज सावन सिंह भी सानू समझाते रहे, महाराज कृपाल मैं भी थानू कई दफा सत्संग दसी है कि एक महाजन सी वो आपदी असामी तो कुछ पैसे लैण वास्ते गया। उसने जो कुछ भी उहदा घर दे अंदर माल सी सब कुर कर लिया, एक पैसे भी उस दे नाल उसने कोई रैत ना कीती। तो जट ने सोचा भी इसने मेरे ते कोई उपकार नहीं किया, कोई छोट नहीं छोटी, मैं इसका जिहड़ा बिस्तरा है वह चुक के स्टेशन ते छड के नहीं आऊंगा। थानू पता है कि जिमीदार की नाराजगी तो डरदा कोई उहदा समान होर ना चुके, तो उह शाहूकार कहे भी कोई मेरा स्टेशन ते बिस्तरा छड्डिया वे, मैं उसनूं मजदूरी दे दूंगा। उत्थे महात्मा आ रहे सी, अच्छी कमाई वाले सी, अंदर जांदे सी, तो उह आदे भी मैं ही तेरा मजदूरी का कम करदा हां, पर एक शर्त की मैं मजदूरी लूंगा, अगर वह मंजूर है तो तू कर ला कि यादा तू कथा करी, मैं हूं हूं करता जाऊंगा, तो या मैं कथा करता जाऊंगा तो तू उंगारा हूं हूं करता जाई। तो महाजन ने सोचा भी एदू सस्ता होर सौदा केड़ा है, वह कहता भी तू कथा करता जाई मैं हूं हूं पिछे करता आऊंगा। अखीर जब स्टेशन नेड़े आ गया महात्मा के दिल विच दया उठी भी मेरे साथ इतना चिर इन्हें सोबत कीती है, जो मैं कथा करदा आउंदा सीगा उही वैदा करदा आया, हंगारा हूं कहिंदा आया है, तो महात्मा की कथा केड़ी सी भई चोरी छड दे भैड़ा खोटा कर्म छड दे, वो हूं कहिंदा सी शराब छड दे, वो फिर आके हां। जो भी महात्मा ने तो ऐ भी दसने से महात्मा की कथा ही होंदी है, वह वायदा करता आउंदा सीगा। जो स्टेशन नेड़े रह गया तो महात्मा ने सोचा ये कि जानेगा भी मैं किसी पूरे महात्मा की संगत की सी। वो उन्हें कहन लग्या देख भी प्यारिया तेरा सारी जिंदगी का आह ही एक शुभ कर्म है, तो तेरा टाइम बड़ा नेड़े है, जमदूत आउणगे तेनू फड़ के लै जाणगे, अगे धर्मराज जो न्याय दा देवता है वह तेनू पुछेगा भी ये दो घड़ी का जिहड़ा फल है ये पहला लैना है जां पिछों लैना है। तू उहनां नूं कह दे भी मैनू ये जिहड़ा फल है पहला दे दिओ।
वो तेनू मेरे को भेज देंगे, बस फिर मेरी जिम्मेवारी है। इस तरह होया जब वह न्याय दे देवता धर्मराज दे पेश होया, जवान ने किया, वह कहता भी होर तो तैं सारी जिंदगी कोई नेक कर्म ही नहीं किया, बस आई कोई है सत्संग का फल कद लेना है। वह कह लगे जी फिर की पता है, मैनू पहले ही दे दो। जब उसनों उतों लिया, वह महात्मा के कोल ही ले जाना सीगा, तो वह जदों अंदर सचखंड की हद आ गई, अगे जम जा नहीं सकते सीगे, सेक आउंदा सी, वह कहिंदे वी देख इधू गाह चलिया जा, तेरा इतना टाइम है, असी इसे थां ही बैठे हैं, तू वह दे मुताबक आ जाना है। वह जम उत्थे बैठ गए, वह महात्मा दे जा पेश होया। हुण वह बैठा, महात्मा ने पुछया आ गया है और निगाह पिछे है। अखीर महात्मा पुछण लगे तू उधर किधर जागदा है बई, कहिंदा जी वह खड़े है ना, वह वहड़ा कर करिया मैं उन्हां नाल, मैनू फिर वह मारनगे। कहण लगे हुण तेनू कोई मारेगा नहीं, तू चुप करके आपदा मेरे साथ तुरिया, इत्थे उन्हां दी ताकत नहीं। हुण तुसी देख लो कि महात्मा दा तन जिहड़ा सी उह तां संसार विच सी, लेकिन अंदरों दी संभाल मालक दे दरबारों कर रहा सीगा। इस वास्ते वह गुरूपीए है। तो आप प्यार नाल कहिंदे है कि इस वास्ते महात्मा ने सत्संग दी महिमा, गुरु अर्जन देव जी महाराज कहिंदे है मेरे माधो जी सत संगत मिले सो तरिया, गुर प्रसाद परम पद पाया सूके काष्ट हरिया। जिस साडा मन जिहड़ा है ये जन्मा जन्मांतरां दा विशे बकारां दे विच आ के मैं मेरी दे विच आ के खुश होया बैठा है, घर नूं भुल गया है। जद साधु संगत दे विच जांदा है उत्थे महात्मा इस मन दे मतलब ही दसदे है कि किस तरह तुसी इस मन जिहड़ा है ये भी एक कोई छोटी जी ताकत नहीं, ब्रह्म दी अंश है, त्रिकुटी दे रहन वाला है, ये आपदे टिकाने तो भुल गया, जैसे आत्मा सचखंड तो ये वस विच आ गई है तो मन आपदे टिकाने तो भुल गया है। तो महात्मा वो साधन तरीका दसदे है कि किस तरह ये पागल मन नूं तुसी सिमरन दे जरिए नौ द्वारे खाली करके तुरिया पद ब्रह्म दे विच पचाओ। इहदा उह घर है, हैडक्वार्टर है। जदों मन उत्थे जांदा है इहनूं पता लगदा है कि मैं किड्डे घर दा मालक सी, मैं तां एवें विशे बकारां दे जंगल विच पागलां दी तरह पौंदा रहा। साड़ी आत्मा इस दे पंजे तो आजाद हो जाती है, या असी कह सकते हैं रूह और मन की गंढ खुल जाती है, यह पारब्रह्म दे विच जा वड़दी है। क्योंकि आत्मा दे उपर जितने भी ढक्कण सन, गुलाब पिंजरे सन, स्थूल सूक्ष्म कारण ये सारे लै जाते हैं, उत्थे आत्मा नूं भी जद इहदा प्रकाश बारह सूरज का होंदा इस नूं पता लगता है कि मेरा भी कोई परमात्मा है। मैं दसदा हुंदा कि लिंग भेद उत्थों तक ही है औरत और मर्द का, अगे कोई नहीं कह सकता कि औरत है या मर्द है या अमरीका दे रहने वाला है। उत्थे जो भी पहुंच जाता है उसनूं साधगति प्राप्त हो जाती है। सो इस वास्ते आप प्यार ना कहिंदे है कि यह सारा कुछ कद पता लगता है जब असीं महात्मा की संगत और सोभ दे विच जाने हैं। स्वामी जी महाराज ने भी कहा करो री कोई सत्संग आज बनाए, इंसान का जामा है इहदे विच
अगर कोई उत्तम तो उत्तम कलयुग दे अंदर साधन है, तीर्थ है, महात्मा दी संगत है, तो गुरु नानक देव जी महाराज कहिंदे वी संगत कास नूं कहिंदे है, दुनिया दे इकट्ठ नूं संगत नहीं कहिंदे गे। या पिछे कोई राजे महाराजे हो चुके है उन्हां दीआं कथा कहानियां संत नहीं सुणाउंदे गे, तो ना एक किसी की सत्संग के अंदर निंदा ही करते हैं। महात्मा का सिर्फ नाम का प्रचार करते हैं, सत्संग की महिमा नाम की महिमा वो सानू सुनाते हैं। जिस तरह अजकल रवाज है तीर्थां दे उत्ते किस तरह मेले लगते हैं, सियासी कानफ्रेंसां हुंदियां हन, तुसी सोच के देख लो उत्ते किन्ने किन्ने सिनेमे हुंदे हैं। असी जांदे तां उत्ते मैल लाउण वास्ते हैं, लेकिन उत्थे होर चढ़ा लिओने हैं। एक दफा पार्वती ने शिवा नूं पुछिया, गंगा का पुरब लग्या सी, अके जी इन्हां नूं तां बड़ा ही पुन मिलदा होएगा, गंगा नहाउण जांदे है। वह कहिंदा हाँ मैं तैनूं तजर्बा करा दिंदा है। पार्वती तां जैसी सी वैसी रहण दित्ती जवान, तो आप एक बुढ़ा बजुर्ग बन के बैठ गए। हुण पार्वती जिहड़ी सी राजे दी लड़की सी, बड़ी अच्छी सी, भगवान ने शकल दित्ती होई सी। हुण तुहानूं पता ही है कि जिहड़े लोग तीर्थां नूं फिर जांदे है, कोई उत्थे समझाउण वाला तां हुंदा नहीं गा वी पराई औरत नूं अख नाल देखना किन्ना गुनाह है, किन्ना पाप है। तो उत्थे असी सिर्फ टुबकी लाउणी तीर्थ दे विच असी जाणदे हैं। वो जिहड़ा नंगे भी केड्डा बुढ़ा है, इहदे कोल जवान औरत बैठी है, की गल है? वो कहे तू इत्थे बैठी है, सारा दिन नंगे गए, कोई कुछ बोले कोई कुछ बोले, उसनू सारे दिन वी दी इक आया। उन्हें आके उन्हूं कहा माता तू इत्थे बैठी है, दिन छिप रहा है, ये बुजुर्ग तेरे साथ है, चलो मैं सहारा दिना है बुजुर्गां नूं, ते तुसी हिम्मत करो जिथे चलना है मैं थानूं पचा के आना है। वह तो एक कौतक सी शिवा का। थोड़ी दूर गए, अलोप हो गए, तो शिवा ने पार्वती नूं कहा क्यों देखिया? सिर्फ सारे दिन भी लखों आदमी गए, तो फल लैन वाला सिर्फ इको ही आदमी सी जिन्हें शुभ कर्म बनाया। तो महात्मा ने सत्संग की महिमा बड़ी उच्ची करके गाई है। केड़ी सत्संग? आप कहते जै सतगुर तै सत्संग बनाई। प्यारियो कोई संगत गुरु नहीं बना सकती गी, अगर बनाउणी है बनाएगी तो उन्हां नूं उतारेगा किवें? वो तो इस तरह ही हुंदा है जिस तरह आप मूर्ति नूं कड़के उस नूं इंसान की शकल दे दिंदे आ चफेरियों, फिर उस उत्ते फुल पत्तियां चढ़ाउंदे आ, उस तों मुराद पालदे हैं। तो कमाई वाले जो संत हुंदे है, जिन्हां ने शब्द नाम की कमाई करी हुंदी है, वो संगत खुद बनाउंदा है। जै सतगुर तै सतसंग बनाई। तो गुरु नानक देव जी महाराज कहिंदे है कि परमात्मा ने उन्हूं खुद अपनी तरफों भेजा हुंदा है कि इतने जीवां नूं तां नाम देना है। हुण उन्हां नूं आपदे पास बुलाएगा,
या उन्हां दे पास खुद जाएगा या किसी का जरिया बनाएगा तद ही वह आपके गुरु का संदेश देगा वह परमात्मा का। जदों साड़ी अख खुल जाती है महाराज सावन सिंह कहिंदे हुंदे सीगे कि असी कहने असी भजन बैठते हैं किन्ना चिर बई जिन्ने चिर अखा बंद हैं जदों खुल जांदियां फिर पता लगता कि सानू कोई भजन बिठाउंदा है। यह कृपा गुरु की सी वह बिठाउंदा सी रोज उदम दिंदा सी अंदरों चाबी मरोड़दा सी। फिर कि असी कहने असी सत्संग दे विच जाने हैं तो महाराज जी कहते होंगे उतना चिर ही कहने हैं जिन्ने दिन असी साड़ियां अखा बंद है जब खुल जांदियां हन तो फिर पता लगता है कि सत्संग दे विच कोई बुला रहा सी सानू असी पुतली दी तरह है। आ तुसी शब्द पढ़ते हो जिथे भेजे उथे जावा तेरा दिता सदा ही खावा। ये असी उस वेले कहने हैं कि जब सानू ये सोझी आ जाती है उन्हां गुरुआं दी दया नाल कि ताने जिहड़ी ओह है पेटे जिहड़ी ओह है रूह च भी हो है, सूह च भी हो है, सदन वाला भी हो है, बिठाउण वाला भी ये है। गुरु नानक ने भी कहा आपे संगत सद बहाले आपे विदा करावे। वो आप ही संगत नूं सद्दा ते आप ही विदा करवाउंदा है, आप ही उन्हां नूं खाणा खवाउंदा है, आप ही अगों सीसां दिंदा है कि तेरे भंडारे भरे भरपूर रहन। जो कुछ है वह सब कुछ वो खुद है, लेकिन इस राज नूं असी समझ नहीं सकते जिन्ना चिकर असी अंदर नहीं जाते। तो गुरु के सत्संग विच संतां दे सत्संग दे अंदर कदे किसी की निंदा नहीं हुंदी, बल्कि निंदा तो सानू परहेज कराउंदे है। मैं कहना हुंदा कि निंदा करनी तो अपने मन भी करिए, क्यों भाई ये सानू नरक चल जाता है ते भैड़े खोटे कर्म करवाउंदा है। तो वडिया ही करनी है ते अपने गुरु दी करिए जिन्हां ने सानू ये ऐबां तो बचाउणा है और बचाउंदा है। सो हर महात्मा ने सत्संग दी वड़ी महिमा गाई है। थोड़े अगे छोटा जिहा शब्द दो कलैणां दा रखिया जांदा है गुरु अर्जन देव जी महाराज दा कि सानू सत्संग दे विचों की प्राप्त होया, सानू की समझ आई, किन्नी साडे गुरु ने जिहड़ी दया कीती ओ सत्संग दे जरिए कीती है। गौर ना सुनो। कांदड़ा महला पंजवां संतों की बाणी पन्ना 205। बिसर गई सब तात पराई जब ते साध संगत मोहे पाई। बिसर गई सब तात पराई जब ते साध संगत मोहे पाई। हुण गुरु अर्जन देव जी महाराज कहिंदे है कि सत्संग दा की फायदा होया, जिहड़ी पराई हीरशा सी मेरे अंदर जलन सी, क्योंकि साडे अंदर जिहड़ी जलन हुंदी है किसी नूं तरक्की करदे ना देखना, किसी नूं खुश ना देखना। मैं एक कहानी दसदा हुंदा है क्योंकि पुराणा दे अंदर ऐसियां कहानियां आ मिलदियां हन, क्योंकि कहानी दा मतलब इतना हुंदा है कि सानू उहदे नाल प्रेरणा मिल जांदी है। उह संतां नूं सच जां झूठ दा गया मतलब नहीं हुंदा गा, सिर्फ सानू कहानी तो प्रेरणा मिल जाती है। किसे वक्त किसे जट ने भगती की शिवान दी, तो घरे उस दे काफी तंगी सी, तो शिव प्रगट हुए
उसने अर्ज की कि घर के अंदर बड़िया तकलीफा हैं, रोजी रोटी नहीं। उन्होंने खुश होकर उन्होंने घंटी देती भाई तेन किसी चीज की वस्तु की जरूरत है तो घंटी बजा दी, सब मिलेगा। पर याद रखी तेरे पड़ोस वाले दे ए तू दुगुना च रह जाएगा। हुण पहला तो वर ले कि जट जिहड़ा सी बड़ा खुश होया भाई घंटी भी ज्यादा आख रहा किस चीज की लोड़ होगी। जब ये क्या भी तेरे पड़ोस वाले दे दुगुना जाएगा, इत्थे आके जट नूं बड़ी समस्या हुई भाई भगती मैं कीती ते पड़ोसी दे दुगुना जाए। वो घरवाली नूं आके उहदे फायदे तां दसे भाई शिवा ने बड़ा अच्छा वर दिता है, पर कहन लगे आ कुछ मेरे जचया नहीं गा जिहड़ा इह किहा भी पड़ोसी दे दुगुना जाए। वो अच्छी सी घरवाली क्योंकि सारे असी एक जे कर्म नहीं साढ़े होंगे गए, जिन्हों के अच्छे नेक कर्म होंगे उन्होंने बड़ा ख्याल अच्छा होंगे है। वह कहती कोई गल नहीं, अगर अपने पड़ोसी आराम ना वसन गए आपू बड़ा अच्छा होगा, चंगे पड़ोस का फायदा ही है। वह कहता कदी हो सकती है। तो शिवा ने भी देखा भी भला इसका कितों क तक विश्वास है, मंगता या नहीं मंगता। उन्हें हर किस्म की औकड़ो जट ते लिया। अखीर जट घर छड़ गया पर उन्हें घंटी ना बजाई। उहदे पिछे जाण तो बाद वो घरवाली सवाणी ने पत्नी ने सोचा भी चलो जे गुआंढियां दे चलिया जाएगा साडे पड़ोसियां दे ते की हो गया। उसने नहा धो के शिवा अगे अरदास कीती कि देखो जी मैं भी उहदी अरदंगी है, आखिर जो थोड़ी सेवा करता हुंदा सी मैं उहदी सेवा करदी हुंदी सी, मेरे कहा सानू तुसी दिओ अंतन। हुण उत्थे बड़ा रीक आया पर जिहड़े पड़ोस वाले सीगे उन्हां दे उदू जादे आया। कुछ वक्त पा के जद जट घरे आया देखिया घर तां आपदे भी रंग लगे हुए पर पड़ोसी दे उस तों दुगणे। वो गया घरवाली ने पहले तो गुस्से होया कि तू ऐसा क्यों किया, तो बथेरा उन्हें समझाया। उन्हें बड़ी जल्दी जल्दी नहा धो के घंटी बजाई। शिव कहन लगे दस भाई की जरूरत है तेनू, तू घंटी बजाई है? वो कहिंदा मेरे बार दे विच खूह लग जे। तो हुण जिहड़े पड़ोस वाले सी उन्हें दो लग गए, कहिंदा मेरी अख फुट जे। हुण पड़ोस वाले दी दो फुट गईयां। हीर शाह आ है आप भी दुखी होना, क्यों भाई जिहड़ा हीर शाह करदा कोई सुखी थोड़ो है। महाराज सावण सिंह कहते होंगे सीगे भी जिहड़ा हीर शाह करन वाला है वो कहिंदा है मेरी बेशक मज मर जे पर ताए दा कट्टा जरूर मरे। तो गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते साडा की फायदा होया वे, विसर गई सब तात पराई। हुण जिहड़े साडे अंदर हीर शाह सी किसे नूं वेख के जलना सी, तो कहिंदे जिद्दें दी सानूं साधु संग मिली गुरु रामदास दी उहदें दी सानूं इह सोझी आई समझ आई कि वे देने वाला तां परमात्मा है। अगर परमात्मा दूसरिआं नूं दिंदा है शायद साडे नाल वो काबिल ज्यादा होएगा, वो अच्छा होएगा। असी उहदे जैसे अजे काबिल नहीं बने भी असी भी उहदे जैसे काबिल बनीए। तो परमात्मा जी तां किसे दे नाल कोई दुश्मनी नहीं, वह तां सब वास्ते आपदा बूहा खुला रखता है, कोई उत्थों लवे। 25 साल महाराज कृपाल ने होका दिता भी देने वाले का कसूर नहीं, तो 45 साल सच्चे पातशाह महाराज सावण सिंह ने होका दिता भाई भाई देने वाले का कोई कसूर नहीं। हुण जैसा जैसा साडा बर्तन सीगा वैसी वैसी
ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਵਸਤੂ ਪਾ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਜੋ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਜੋ ਮੰਗੇ ਠਾਕਰ ਆਪਣੇ ਤੇ, ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਇੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ, ਯੂਰਪ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਉੱਥੋਂ ਪੱਤਰ ਪਾਇਆ, ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਲਾ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਜਿਸ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਲੈ ਆਊਂਗਾ। ਤੋ ਸਭ ਰਾਣੀਆਂ ਨੇ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦਾ ਜੈਸਾ ਸਾਡਾ ਮੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੰਦਰਲੀ, ਵੈਸਾ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਰਾਣੀ ਛੋਟੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਗਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਔਰਤ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੀ ਪਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਜਦ ਬਾਹਰੋਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਜੋ ਮੰਗੀਆਂ ਸੀ ਵਸਤੂਆਂ ਸਭ ਲਿਆਇਆ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਰਾਣੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਵਸਤੂ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ? ਉਹ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਹਾਗ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਵਸਤੂਆਂ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੂਰ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੂਰ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਫਤਿਹ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਲੜਕੀ ਨਹੀਂ ਲੜਕਾ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਰਾਣੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵਸਤੂਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਸੁਹਾਗ ਜਿਹੜਾ ਪਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਐਸੀ ਵੀ ਰਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਤੀ ਨੂੰ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਆਪਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਖਾਲੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹ ਤੋਂ ਮੰਗਦਾ ਕੁਛ। ਜਿਸ ਦਰਬਾਰ ਚੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸਭ ਕੁਛ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਣਦਾ, ਬਿਨ ਬੋਲਿਆ ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਣਦਾ, ਕਿਸ ਪੈ ਕਰੀ ਅਰਦਾਸ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਹੈ, ਉਹ ਕਮਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੋਲਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆ ਦੇ ਆ ਦੇ। ਤੋ ਜਿਹੜੇ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸੁਪਨੇ ਚ ਵੀ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਭਜਨ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਦੀ ਆਦਤ ਆਰਮੀ ਚ ਪਈ। ਆਰਮੀ ਦਾ ਬੜਾ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਹ ਕਰੋ, ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਬਾਅਦ ਮੇ ਆ ਕੇ ਕਰੋ। ਇਹੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੋ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਪਿਆਰਿਓ ਫਿਰ ਕਮੀ ਕਿਹੜੀ ਬਾਤ ਦੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਚੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗਿਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪੱਛਮ ਚੋਂ ਇੱਕ ਮੇਮ ਆਈ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ 16 PS ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਹਲੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂ। ਤੋ ਮੈਂ ਹੱਸ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ, ਜੈਸਾ ਕੋਈ ਮੰਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸਤਸੰਗ ਚ ਵੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਾਸਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਦੇਖ ਕੇ। ਤੋ ਜਦ ਗਈ 10 ਕੁ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ 2 ਪੈਦਾ ਹੋਏ,
तो जद असीं फिर उहदे कोले गए, अजे बच्चा दूजा छोटा ही सीगा, असीं फिर जदों 10 महीनिआं बाद असीं गए, एक बच्चा चकन वाली होर साथ रखी, एक उंगली ना लाया, तो अमरीकन तो जानते हैं एक इत्थे ढूई ते रखिआ, क्योंकि साढ़े हिंदुस्तानियों के कोले तो ऐसा कोई चीज नहीं हुंदी, इत्थे मोढ़िआं ते ऊं बिठाउंदे आ, इन्हां दे बणिआ हुंदा पिछे चोला, उहदे विच बच्चा पाया हुंदा, एक अगले पासे लटकाया हुंदा, उह वी इक बणिआ हुंदा है। तो मैं देख के हस गया, मैनू कहिंदी आ देख हत्थ बद्धे आ अगे वास्ते ना किते सो प्यारिया, ये दरबार दे अंदर गुरु कृपाल जैसी जैसी किसी मंग है वैसी वैसी दे दिंदा है, जेड़ा गुरु नू मंगदा है उहदे कोले गुरु आ जांदा है। सो इस वास्ते आप प्यार ना कहिंदे है कि साधु संग दा की फायदा होया, मेरे अंदरों जलन निकल गई, हुण मैनू ना कोई वैरी दीदा है, सारे सज्जन ही सज्जन है, ना कोई मैनू अमरीकन अलग दिसदा है, ना मैनू कोई हिंदुस्तानी अलग दिसदा है, ना मैनू कोई औरत ही अलग दिसदी है, ना मर्द ही, सब दे अंदर संतां दी नज़र आत्मा उत्ते हुंदी है। जिन्नी एक अमीर दी इज्जत है उहनां दे संगत दे अंदर, उन्नी एक गरीब दी भी है, जिन्नी एक मर्द दी उन्नी औरत दी भी है, क्योंकि उहनां दी नज़र आत्मा दे उत्ते हुंदी है। आत्मा निर्दोष है, वरियाई जो है वह मन दे विच है, तो मन की रुकावट उन्होंने दूर कर ली है। मैं पहले दस्या सी कि उन्होंने अंदर मन नूं टिकाणे ते पचा के मन और आत्मा की गंढ खोल के वह उस घरे चले गए जिथों कि गुरु ने निशान दिता सी। इस वास्ते आप प्यार ना कहिंदे है ना को वैरी नहीं बिगाना, सगल संघ हमको बनाई, सारे संसार नूं अपना घर समझदे है, सब ना उन्हां दा प्यार है, उत्थे जाति पाति का कोई सवाल नहीं। तो गुरु अर्जन देव जी महाराज कहिंदे सानू कित्थों ज्ञान होया, ये पदार्थ भाई कित्थों मिलिया, साडे गुरु की संगत विच जानना। इस वास्ते गुरु अर्जन देव जी महाराज कहिंदे महिमा साधु संग की सुनो मेरे मीता, मैल गई कोट अग हरे निर्मल भय चीता, कहण लगे जन्मा जन्मांतरां दी मैल संगत दे विच आके लहेगी, करोड़ां किस्म दे पाप सी जिहड़े ओह धोते गए, आत्मा निर्मल हो गई है। ऐसे भगत गोबिंद की कीट हस्ती जीता, मन हाथी सी, आत्मा एक कीड़ी जिनी कमजोर सी, इहदे पंजे तो आजाद हो गई, हाथी तो छुट गई, किहदी कृपा ना भई गुरु दी नाल। बिसर गई सब तात पराई, जब ते साद संगत मोहे पाई, ना को बैरी नहीं बेगाना, सगल संग हम को बने आई, जो प्रभ कीनो सो पल मान्यो, ए सुमत साधु ते पाई। जदों असीं महात्मा दी संगत विच जाने आ, संत सानूं प्यार नाल दसदे आ कि जिहड़ा संसार है इह गुरु नानक ने कूड़ झूठा सुपने दी न्याई करके बयान कीता है। इत्थे जिहड़ा पैदा हुंदा है उहने एक दिन संसार जरूर छड्डना है, चाहे कितना भी कोई वडी है, पैगंबर है, हर एक अपो अपनी वारी इस संसार नूं छड्ड के जांदा है। गुरु तेग बहादुर साहिब कहिंदे राम गयो, अनेकां वारी इत्थे राम आके भी गया, राम गयो रावण गयो, अनेकां वारी रावण भी आके गया,
अनेक वारी कृष्ण आके गया, राम गयो, रावण गयो, जाको बहु परिवार जिन्हां दे बड़े बड़िया लंबिया उमरां सीगियां पो के ओ भी गए। कहो नानक थिर कुछ नहीं ते सुफने ज्यों संसार, चिंता ताकि कीजिए जे अनहोनी होए, ए मार्ग संसार को नानक थिर नहीं कोई। इस वास्ते आप प्यार ना कहंदे है कौन भाणा मनेगा भाई जिहड़ा अंदर जांदा है। महाराज सावन सिंह दसदे हुंदे सीगे भी किस तरह उन्हां दा 32 साल दा लड़का सी, ओवरसीयर लग्या होया सी, हालांकि करन कारण सी। महाराज जी तो ब्याह स्टेशन दे उत्ते उन्हां ने सास पूरा करा कराया भी मैं जे डेरे चाके लग्या तो उत्थे बीबी रुको सी, उन्हें कहना है भी तुसी इस नूं रखो। तो कहिंदे संतां दी गुरमुखता दे विच फर्क पैंदा है, संत उस परमात्मा दे शरीक बन के नहीं रहिंदे हुंदे गे, ओह उहदे पुत्तर बन के रहिंदे है। पुत्तर ओह है जिहड़ा बाप दी कीती नूं उलदे ना पलटे ना। तो कहण लगे उत्थे जद उहदे सवास पूरे होए मैं आपदे दिल नूं फरोलिया सीगा, ना उहदे विच कोई खुशी सी ना गमी सी। कहिंदे वी किहदी कृपा सी? बाबा जयमल सिंह दी, जिन्हां ने मैनूं उस इम्तिहान दे विच खुद ही पास कीता। फिर उह कहिंदे हुंदे जे बाहरों उह थापड़दा ते अंदर हथ हुंदा है। इसे तरह महाराज कृपाल ने भी आपदी जिंदगी दे विच अपना बच्चा पत्नी तोरे और राजा राम सराफ जिहड़ा महाराज सावन सिंह दा खास प्रेमियां दे विचों सी, उह जदों शमशान भूमि दे विच महाराज जी आपदे लड़के दा संस्कार करन गए, उदों उहने देखिया कि ई तां इस तरां तुरिया फिरदा है भी जिवें किसे दा हुंदा लड़का। उन्हां दे विश्वास नूं देख के उह महाराज सावन सिंह दी संगत दे विच आया। फिर उन्हें पता लग्या भी किसे पूरे गुरु दा शिष्या है। तो इस वास्ते आप प्यार नाल कहिंदे है सानू संगत दे विच सोझी आई। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहिंदे जो प्रभ कीनो सो भल मान्यो, असीं परमात्मा दे विच नुक्स नहीं कढे, उहने जिहड़ा कर दित्ता। हुण तुसीं सोच के देख लो, ये उस महात्मा दी वाणी है जिस नूं उस वक्त दी हुकूमत ने सके भरा ने सिखा के गैर मनुखी तसीहे दित्ते सी। गर्म रेता सिर विच पवाया तो गर्म तवी दे उत्ते बिठा दित्ता। लेकिन फिर भी जो इन्हों का दोस्त आया मियां मीर, वह कह लगा तू मैनू जो हुक्म दें तो मैं लाहौर दी दिल्ली दी इटा पड़वा देवा। वह कह लगा देख भी मियां मीर, ये तो मैं भी कर सकता है पर उहदा भाणा तेरा भाणा मीठा लागे ना पदार्थ नानक मांगे। इस वास्ते आप प्यार ना कहंदे आ गुरु अर्जन देव जी दी इह बाणी है। कहण लगे जिहड़ा परमात्मा ने कर दिता वह साडे फायदे जी करदा है, सो भल मान्यो, उस दे अगे सिर झुकाता। महात्मा सानू दसदे आ जद उहदा भाणा टलदा ही नहीं तो उहदे अगे सिर नमाउण दे विच ही फायदा है। जिस ठाकर सो नाही चारा तां को कीजै सद निमशकारा। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहंदे आ जिहदे अगे तुहाडा जोर नहीं चल सकदा उत्थे निमशकार करन च तुसीं फायदा उठाओगे। हाँ जो प्रभ कीनो
ਸੋ ਪਾਲੇ ਮਾਨਿਓ ਏ ਹਸੁਮਤ ਸਾਧੂ ਤੇ ਪਾਈ ਸਭ ਮੈਂ ਰਵ ਰਿਆ ਪ੍ਰਭ ਏਕੋ ਪੇਖ ਪੇਖ ਨਾਨਕ ਬਿਗਸਾਈ। ਹੁਣ ਕਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੁਰਾ ਕਹੀਏ, ਸਾਰੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਸਭ ਮੈਂ ਰਵ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਭ ਏਕੋ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਰਬੀਲ ਆਲਮੀਨ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਰਬੀਲ ਮੁਸਲਮੀਨ, ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਲਮ ਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਖੁਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਵਾਨ ਨਾ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਅਰਦਾਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਮਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣਾ। ਤੋ ਇਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਈਰਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ, ਤੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਰਾਮ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਵ ਰਿਹਾ ਸਭ ਏਕੋ ਪੇਖ ਪੇਖ ਨਾਨਕ ਬਿਗਸਾਈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੁਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਰਾਮ ਚ ਰੋ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਸਭ ਕਾ ਚਾਰਾ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਜੈਸੀ ਚਾਕਰੀ ਤਾਂ ਕੋ ਤੈਸਾ ਦੇ, ਫੇਰ ਸਭ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਅੰਦਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੈਸਾ ਕੋਈ ਬੀਜ ਦਾ ਵੈਸਾ ਵੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਚ ਆ ਕੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੀਰਸ਼ਾ ਸੀ ਉਹ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਕੋਈ ਵੈਰੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਬਗਾਨਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਤੇ ਚਿਰ ਆਖਦਾ ਜੇ ਚਿਰ ਹੈ ਦੋ ਮਾਹੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਇੱਕ ਪਛਾਣਿਆ ਇੱਕੇ ਮਹਿ ਸਮਾਹੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਕਰ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਾਹਰ ਹੈ ਉਨਾ ਚਿਕਰ ਅਸੀਂ ਦੁਆਏ ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਣ ਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਇੱਕ ਪਛਾਣਿਆ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਉਸ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਸੇ ਚ ਸਮਾਏ, ਉਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕੋ ਵੈਰੀ ਨਹੀਂ ਬਗਾਨਾ, ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮਕੋ ਬਣਾਈ। ਸਾਡਾ ਸਭ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ। ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀਨੋ ਸੋ ਭਲ ਮਾਨੋ, ਇਹ ਸੋ ਮਤ ਸਾਧੂ ਤੇ ਪਾਈ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਉਹ ਮਤ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੀ ਬਈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਚੋਂ। ਸਭ ਨੇ ਰਵ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਭ ਏਕੋ ਪੇਖ ਪੇਖ ਨਾਨਕ ਵਿਗਸਾਈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਕੁਛ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ, ਜੋ ਵਕਤ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਈਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾਲ ਦਾ ਵਾਕ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ 100 ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਅੰਦਰ ਜਾਓ, 1000 ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਭਜਨ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੋ। ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਨਾ ਦੇ ਲਓ, ਉਤਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤਨ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਨਾ ਦਿਓ। ਤਨ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਤਮਾ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਤਮਾ ਸਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਇਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ ਖੁਰਾਕ ਦੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਛ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਸੁਣਿਆ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕਮੀਆਂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰੀਏ। ਅਗਰ ਅਮਲ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਣੀਆਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਧੋਤੀ ਝਾੜ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਗਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਬ ਛੱਡੀਏ ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਤਸੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਹਾਤਮਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਐਬ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਰਿਦੁਆਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੰਜੂ ਵਾਸ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਗੰਗਾ ਨਗਰ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਹਟਣ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੈਂਗਣ ਛੱਡ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਬੈਂਗਣ ਨਹੀਂ ਖਾਊਂਗਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਪਰਤਕਿਆ ਪਾਲਦਾ ਹੁਣ ਤਾਈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਸੋਚ ਲੈ, ਨਹੀਂ ਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਘੱਟ ਤੋਲਣਾ ਛੱਡ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੇਲਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੇਲੇ ਦਾ ਤੇ ਬੈਂਗਣ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਬਈ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸੰਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਐਬ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਐਬ ਉਹ ਛੱਡੋ, ਹੋਰ ਨਾ ਕੇਲੇ ਨੇ ਕੁਛ ਵਿਗਾੜਿਆ ਤੇ ਨਾ ਬੈਂਗਣ ਨੇ ਵਿਗਾੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਧੰਨ ਆ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਬਈ। ਹਾਂ ਬਈ, ਸਭ ਮੇਰਾ ਵਰਿਆ ਪ੍ਰਭ ਏਕੋ ਪੇਖ ਪੇਖ ਨਾਨਕ ਬਿਗਸਾਈ।